तो यार भाई लोग, आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ आप नेचर और एडवेंचर दोनों को देख पाओगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। अगर हाँ, हमारे ब्लॉग आपको पसंद आते तो लाइक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, आगे हम अपनी लोकेशन पे, आज हम यहीं रहेंगे। एक्चुअली हमारा दोस्त का कॉटेज है और चारों तरफ जंगल है, जंगल के बीच में कॉटेज है। रहेंगे कल यहाँ, कुछ मस्ती वस्ती जो भी है, इंटरटेनमेंट चलते रहेगा और दिखाएंगे यहाँ के कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी अभी उठा हूँ और यहाँ देख सकते हैं सुबह का नज़ारा। सुबह सुबह बस चिड़ियों की आवाज़ है, नीचे एक नदी है, वो नदी की आवाज़ आ रही है। बाकी सब बढ़िया है, इधर शांति है, बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, मज़ा आ गया कुल मिला के। तो भैया, अब मेरा शुरू हो रहा है योगा और एक्सरसाइज का टाइम। तो भैया, होने वाला है सूर्य उदय। कल की तरह आज भी बादल लगे हैं आसमान में, आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए, कल की तरह आज भी बादल बादल काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मे बी सूर्य उदय हो जाएगा 5-10 मिनट में, और काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है सुबह का ही। और हाँ, आपको बता दूँ, सुबह 10 बजे से पहले आप धूप ले लो। उसके बाद ज़्यादा धूप में जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको D3 नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि जैकेट पहन के आप धूप में गए हो, तो उससे विटामिन D3 नहीं मिलेगा। विटामिन D3 तब मिलता है जब मैक्सिमम बॉडी पार्ट हमारा एक्सपोज होता है सन के लाइट में। तो कोशिश करना कि कोई बंडी पहन लो या शॉर्ट्स पहन लो, कुछ इस तरीके से कुछ पहन के सन कॉन्टैक्ट में जाओ, तो आपको अच्छा D3 मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आप सुबह सुबह कोई लोशन, कोई वैसलीन या कोई क्रीम लगा के जा रहे हो सन के कॉन्टैक्ट में, उससे भी आपको विटामिन D3 नहीं मिलेगा। तो आपको सीधे जैसे उठे हो वैसे ही चले जाओ, या फिर नहा धो के चले जाओ, उसके बाद लगा सकते हो। या फाइनली 800 सालों, हफ्तों या महीनों बाद फ्लैश धुलने जा रही है। आज फ्लैश का धुलने का दिन है, काफ़ी खुश है वो, देख सकते हैं आप। तो धुलेगी, अभी धुल कर दिखाते हैं क्या चमक आती नहीं आती। उसको नहलाना है, यही रास्ता है। ठीक है, फाइनली हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। सामने नदी भी है, अगर नहाने वाने का मूड हुआ तो, सॉरी अगर पानी थोड़ा गर्म हुआ तो नहा लेंगे। ठंड में भी नहा सकता हूँ। देखते हैं करेंगे नीचे। और ये बैग में रख लिया मैंने पूरा सामान, खाने वाने का, बनाने का, वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे। ये है एक नेचुरल स्रोत। ज्वेल जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? ये सर, ये प्रकृति का, ये कहाँ से आया है, उद्गम हो रहा है, इसका हमें भी नहीं पता। ओके, लेकिन ये सर्दियों में गुनगुना और गर्मियों में बहुत ही ठंडा। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि फ्रिज से भी ठंडा पानी गर्मियों में आपको मिल सकता है। तो यार, इस स्रोत में फ्रिज से ज़्यादा ठंडा पानी मिलता है गर्मियों में, और जाड़ों में गर्म पानी। यार देख सकते हैं नेचर किस तरह खेल करता है हमारे साथ। और मैं हाथ डाल के देखता हूँ ये गर्म है या नहीं है, क्योंकि ओ भाई, गुनगुना पानी है, गुनगुना पानी। थोड़ा मज़ा आ गया, ये है नेचर। तो नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो, थोड़ा यार नेचर पर भी ध्यान दो, पेड़ पौधे लगाओ, मज़ा आएगा। और यहाँ से पानी भर रहे हैं पीने के लिए, क्या ही ज़रूरत है पहाड़ में यार, कोई एक्वागार्ड की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एक्वागार्ड के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, एक्वागार्ड लगाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। अभी ज्वाल जी बताएंगे यहाँ से कोई शॉर्ट रास्ता जो हमें नदी तक ले जाए। रास्ता यार, ये रास्ता तो गजब ही है। तो देख सकते हैं पूरी झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों के बीच से रास्ता बना रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। इधर सांप और कीड़ों का बहुत ज़्यादा खतरा है, सांप से तो बच के रहना पड़ता भैया। अब मैं यहाँ पर फ़ोन कैमरा बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पकड़ना है भाई, पकड़ के जाना है नीचे, गिरना नहीं है। तो फाइनली आ चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे, देख सकते हैं ये हमारी लोकेशन है। इधर ही हम मैगी बनाएंगे और इधर ही मे भी इधर ही नहाएंगे, ये नीचे यहाँ नहा लेंगे। और पूरा शांत है, कोई नहीं आता इधर, इधर हम ही लोग आते हैं। काफ़ी आसान काम नहीं है, ये देखिए कैसे पकड़ पकड़िए, ये आराम से गिरना मत। अब देख सकते हैं ऐसे रास्ते में आए हम, ये हमारा ये रास्ता है, यहाँ से हमने रास्ता बनाया अंदर जंगल से, ये पूरा रास्ता बनाया और नीचे आए। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी प्राइम लोकेशन पे, यहाँ हम नहाएंगे और ऊपर यहाँ हमारा मैगी बन रही है। अभी मैं चूल्हा बना के आया हूँ उधर, अभी चूल्हा आपको दिख जाएगा थोड़ी देर में। तो ये हमारी लोकेशन है, यहाँ नहा धोके हम यहाँ से आराम से सूख भी सकते हैं, इधर धूप आ रही है मस्त। तेरी
भैया हमें गाना समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा है गाना, मजे ले रहे गाने के, मजे ले रहे, लेकिन अच्छा गाना है यार। मूवी तो भी अच्छी है, गाने भी अच्छे हैं। हमारा नहाना, अब बनेगा मैगी। हम मैगी बनाने वाले हैं। टमाटर और हरी मिर्च डाल दी गई है मैगी में, देख सकते हैं। आज मुझे ठीक करना पड़ेगा आपको। और ये है, इसमें है शिमला मिर्च, बीन और मटर, और कुछ है इसके अंदर? लहसुन, शिमला मिर्च, बीन और मटर। देखिए एक बाउल पूरा भर के डाल रहे हैं। ये कड़छी निकाल ली जीवाल जी ने, और बन रही है मैगी। देख सकते हैं कितनी हेल्दी मैगी है। इसमें डल चुका है, इसमें डल चुका है मटर, शिमला मिर्च और बीन डल चुका है। हाईली प्रोटीन, हाईली फाइबर और हाईली मिनरल सब कुछ डल चुका है। अब इसके बाद डलेगी मैगी। वैसे तो मैं मैगी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मेरे चैनल पे एक दो वीडियो पड़ी है मैगी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, पर भैया अच्छी अच्छी चीज़ें डाली जाए मैगी में तो ये मैगी के दुष्प्रभाव जो हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं बॉडी में, उसको कम कर देती है। तो आप जब मैगी खाओ तो इस तरीके से बनाओ। और ये रेसिपी पूछ सकते हैं आप किससे? मोहन जुआल से, जो ये रेसिपी बनाते हैं। देखो किस तरीके से मैगी बना रहे हैं, अच्छे से बिल्कुल। उसमें एंटीऑक्सीडेंट टमाटर डाला गया है, शिमला मिर्च डाली गई है, और उसमें मटर डाला गया है, और बीन डाला गया है। प्रोटीन है, फाइबर है, सब कुछ है। ग्रीन प्याज नहीं मिल पाया, ग्रीन प्याज नहीं मिल पाया लोकल एरिया में, पर काम चला रहे हैं जो भी है। 2 hours later. प्रॉपर विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट इस मैगी में सब कुछ है। एक डिसएडवांटेज है बस, मैदा। तो जो भी है, मज़ा आएगा भाई मैगी खाने में। दोस्तों फाइनली मैगी तैयार है यार, मज़ा आ गया यार। ऐसी लोकेशन पे मैगी खाने का अलग ही मज़ा है यार। यार जीवाली इतना टेस्ट हो रहा है क्या? मज़ा यार। तुम थाली चाट खा रहे हो? मैं अपनी लाइफ में बहुत मैगी बार मैंने मैगी खाई, और यहाँ का पानी है ना, और यहाँ का एनवायरनमेंट था, उसका सारा मिश्रण इसके अंदर आ गया, मज़ा आ गया। अल्टीमेट यार, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ अच्छी मैगी बनाती। तो भाई लोग, मेरी टी शर्ट भीग गई थी इसलिए मैं टी शर्ट नहीं पहन रहा हूँ, मैंने जैकेट पहनी हुई है। और जुआल जी को देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी नींबू बना रहे हैं अभी, पहाड़ी तरीके से। जुआल जी इसमें क्या क्या डालेगा? इसमें हम देखें दही और ये मसाला और भांग का नमक। नहीं आपके पास भांग का नमक? भांग, बस मसाला, दही। इसमें डालने वाला है भांग का नमक, दही, मसाला और ये नींबू। भैया देखते हैं कितना टेस्टी होगा ये। भाई फाइनल प्रोडक्ट रेडी है, अब जुआल जी बताएंगे इसके बारे में। जुआल जी उठा के बताओ, इसके बारे में बताओ, इसको क्या बोलते हैं? इसको हमारे गढ़वाल में बोलते हैं नीम कचमोली, और यहाँ बोलते हैं सना नींबू। इसको बोलते हैं सना नींबू, और गढ़वाल में बोलते हैं कचमोली। दांत खट्टे करना एक मुहावरा है। तो दांत खट्टे करने का मतलब, आप ये पूरा नींबू अगर एक इंसान खा गया तो दो दिन तक पूरी रोटी नहीं खा सकता, दांत इतना खट्टा हो जाएगा। बढ़िया, चलो हम भी लेते हैं इसका टेस्ट, अब मजा। तो यार फाइनली आज के दिन की मस्ती होगी खत्म। जुआल जी आ रहे हैं, जुआल जी आ रहे हैं बोरिया बिस्तरा पकड़ के ऊपर को। तो यार फाइनली हम कर चुके हैं जंगल से एग्जिट, अभी हमने नदी में नहाया, खूब सारी मस्ती करी, वो सब कुछ हो चुका है। और अब जा रहे हैं हम हल्द्वानी की तरफ, वापस अपने घर की तरफ। फिर मिलते हैं आपसे बाद में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं भी करेगा तो चलेगा, लेकिन देख जरूर लेना।